पिछली अगर आपको वीडियो थोड़ी याद हो तो उसमें हमने इक्वेटोरियल का किया था, इक्वेटोरियल में डिफरेंस ये आया था कि यहां जो स्पेशल केस में यहां सिंगल पी आया था, इट मींस एक्सियल लाइन पे फ्लूइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली डबल रहती है। अब हमारा पार्ट टू है वो हम करेंगे, तो वो देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमें स्क्वेयर वेव रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि ये 2018 जो आपका बोर्ड का पेपर सीबीएसई का हुआ था उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दोनों पार्ट 2 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स का एक। तो ये जो स्क्वेयर है इसकी मैं आपको डायग्राम बना देता हूं अलग से। सेकंड पार्ट का ए इसको हम कर रहे हैं, देखिए ये कुछ ऐसे है, क्यू सभी प्लस है, प्लस क्यू प्लस क्यू एंड दिस इज आल्सो क्यू और साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो ए। हमारा जो यहां पर क्वेश्चन है वो ये है, टू कैलकुलेट दिस वन इज स्क्वायर एबीसीडी के पॉइंट हम ले लेंगे ए बी सी एंड दिस वन इज डी, ये एक स्केयर है तो हमें प्लस क्यू पे फोर्स निकालनी है, तो हम यहां पर ये करेंगे फोर्स ऑन प्लस क्यू एट डी, इसको कंसीडर करेंगे, इससे हमें फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम कहते हैं। देखिए बात यह है कि दिस वन इज स्क्वायर, तो सबसे पहले इसके डायगोनल कैलकुलेट करवाओ, जो डायगोनल है उनको हम कैलकुलेट करेंगे ए ए, तो जो यहां पर ए सी है इक्वल टू बी डी डायगोनल वो हो जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर, तो इसको हम कह दें अंडर रूट 2a, ये हमारे पास आ गया। सिंपल सी बात है, कूलम्स फोर्स हमने यूज करनी है, कूलम्स लॉ, तो वो क्या है q1 q2 एंड 4πε0 डिस्टेंस का स्केयर। सो यहां पर हम ऐसा करेंगे फोर्स ऑन सपोज नेट फोर्स हमारी ये है, फोर्स ऑन डी दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, ये चीज है। तो ये हम करेंगे, डी पे 3 फोर्स आए, एक ड्यू टू ए ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, तो ये वैल्यू है, इसमें अगर हम डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, तो इसके लिए डी ड्यू टू ए, तो कूलम्ब लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो क्या है, वो है कि क्यू वन क्यू टू
4 pi epsilon naught over r square, यानी कि दो चार्जेस के बीच का सिंपली डिस्टेंस। तो d due to a, इन दो चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वो q फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है तो ये इसका ए स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू दिस, तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली इस तरफ होगी ड्यू टू क्यू। नाउ फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी आल्सो सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन डी ड्यू टू इट्स कैनट बी सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी क्यू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन इज आल्सो ए स्क्वायर। सो दिस फोर्स विल टुवर्ड दिस साइड, ठीक है। तो अगर हम ये थोड़ा कहें कि एक फोर्स की डायरेक्शन ये हुई और दूसरी की ये हुई, तो ये फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू है दिस वन, एक डायरेक्शन ये होगी और दूसरी की डायरेक्शन ये होगी। फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए और ये जो है फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ये अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है तो दैट इज एफ वन। देखिए इसमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डी ए स्केयर प्लस एफ डी सी स्केयर प्लस टू एफ डी ए एफ डी सी कॉस 90। क्यों 90? बिकॉज दोनों के बीच जो है ये एफ वन आई हो रही इस तरह, कॉस 90 जीरो है तो ये सबका अंडर रूट, तो बेसिकली एफ वन जो आ गया हमारा एफ डी ए स्केयर प्लस एफ डी सी स्केयर अंडर रूट। लेकिन यू नो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल मैग्नीट्यूड होने का मतलब ये हुआ कि दिस विल बी एफ वन क्यू स्केयर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ए स्केयर जस्ट। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्यू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एंड दिस वन और दिस वन आल्सो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एंड अंडर रूट। यहां पर सिंपली ये जो है टू अंडर रूट दिस वन, तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आ गया वो ये आ गया टू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड अंडर रूट। अल्टीमेटली जो हमारे पास एफ वन की जो वैल्यू आ गई
वो देखिए आप ये बात, तो अंडर टू क्यू क्यू और फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू एफ वन की आएगी। अब देखिए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, उसमें दोनों हमारे पास क्यू चार्ज है, तो दैट इज क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डिस्टेंस जो है ये आएगा अंडर टू ए का होल स्क्वायर, अंडर टू ए होल स्क्वायर, सो इट मींस एफ बी सी जो है क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और टू ए स्क्वायर, सो दिस वन इज सेकंड इक्वेशन और दिस वन इज थर्ड। अब मेन चीज आप ये देखिए एफ डी ए एंड एफ डी सी इक्वल, सो दिस वन एक्ट अलोंग दिस लाइन, और जो एफ फोर्स ऑन ड्यू ड्यू टू बी है दैट इज आल्सो ऑन सेम लाइन, तो एफ वन और एफ डी भी सेम लाइन पे एक्ट करते हैं, इसमें तो इट मींस नेट फोर्स, जो नेट फोर्स ऑन क्यू आएगी एट डी वो सिंपली इन दोनों को ऐड करके आएगी, एडिंग टू एंड थ्री, टू एंड थ्री को सिंपली ऐड करके हमारे पास वो आ जाएगी, तो वो जो वैल्यू बनेगी एफ नेट दैट इज अंडर टू क्यू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्क्वायर भी आएगा इसके, एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस दिस वन क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, सो यहां से जो आपका कॉमन आता है वो ठीक है और आपका आंसर हमारे पास आ गया। तो जो यहां से तो ये चीजें यहां तक इसको सिंपली ऐड करना मैं अलजेब्रा करूंगा, अब यहां से जो कॉमन आता है वो आप लिख लीजिए, तो एफ नेट जो आएगा क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में जो आपका बचा अंडर टू स्मॉल क्यू प्लस यहां से हमने ए क्यू क्यू बाई टू दिस वन, देखिए क्यू फोर बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहां से कैपिटल अंडर टू स्मॉल क्यू और क्यू बाई टू, दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस वन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला यूज करना है, यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये एक्चुअली दो क्वेश्चन
का कॉम्बिनेशन जो मैं आपको करा रहा हूं, टू का बी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो होता है क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हम यूज करेंगे। तो आप देखिए ये सेम चीज है, ये अंडर रूट टू ए है, बाकी सारा ए है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगी, इसको फोर टाइम्स करेंगे, फोर क्यू क्यू एंड फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सिंपली ए डिस्टेंस नॉट स्क्वायर। देखिए एबी के बीच, बीसी के बीच दो, सीडी के बीच तीन, बीए के बीच चार, तो फोर से हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इन दोनों के बीच क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर टू ए, दिस वन प्लस क्यू स्क्वायर बिग वन बी डी के बीच, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू ए, दैट इज ऑल्सो सेम डिस्टेंस, ए बाहर है। अब देखिए जो कॉमन आप ले सकते हो, यहां पर हमारे पास है क्यू क्यू स्मॉल क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा कॉमन आ रहा है, सो दिस इज फोर ओवर अंडर रूट टू प्लस क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये हमने कॉमन ले रखा है, तो इसका सिर्फ आपका अंडर रूट टू ही आएगा दिस वन। तो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट आंसर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू क्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए अंडर टू एलसीएम फोर अंडर टू प्लस क्यू प्लस क्यू, सो दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो लेंथ ही थोड़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट आपका दो या तीन नंबर का हो सकता है, ये तीन नंबर का हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन में क्लब करके मैंने आपको करवाया, तो होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सो इन दिस वे कोई भी चीज सिंप्लीफाई करके मैंने सारी चीजें बताई है, फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तब देन यू कैन कमेंट्स, और अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।